अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है जहाँ भी आप हैं अल्लाह आपको खुशी और सलामती के साथ महफूज रखें। अपने सामान को बेचने में दुकानदार कितना नफ़ा कमा सकता है, या इसी तरीके पर कोई प्रोडक्ट आपकी कंपनी या फैक्ट्री में बनता है तो उसमें कितना फ़ीसद नफ़ा कमाने की इजाज़त है, कितने पैसे एक चीज़ के एक सामान पर आप कमा सकते हैं, इस सिलसिले में लिमिट क्या है, क्या इस बात की इजाज़त है कि जितने का सामान है उससे दोगुने पर बेच दिया जाए या तीन गुना पर बेच दिया जाए, या सिर्फ 10% ही कमाएं, 20% ही कमाएं, कितना कमाएं, कितना प्रॉफिट लें अपने सामान पर बेचते हुए। इस सिलसिले में शरीयत मुताहरा की क्या रहनुमाई है, याद रखें शरीयत मुताहरा ने और इस्लाम ने और पैगंबर इस्लाम ने प्रॉफिट के सिलसिले में, नफ़े के सिलसिले में कोई तायीन नहीं फरमाई है, यानी ये मुतायन नहीं किया है कि एक दुकानदार अपने सामान बेचते हुए 10% ही कम प्रॉफिट ले या 20% ही ले या इसी तरीके पर 50% से ज़्यादा ना ले, कोई तायीन नहीं है। बल्कि ये छोड़ दिया गया है उस बंदे पर जिसका सामान है कि वो कितने नफ़े के साथ अपने सामान को बेच सकता है। हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि मार्केट में जो चीज़ जिस कीमत की होती है उससे ज़्यादा कीमत पर वो सामान बेचना ये पसंदीदा नहीं है, यानी इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं किया है। बाकी अगर कोई बेच रहा है तो उसका बेचना भी ठीक है और वो जो कमा रहा है उसकी जो कमाई और प्रॉफिट उसके ज़रिए से हो रहा है वो भी ठीक है, लेकिन इतनी ज़्यादा कीमतों में फ़र्क हो जाए कि एक दुकानदार उसी सामान को 10 रुपये का दे रहा है और एक दुकानदार उसी सामान को 30 रुपये का दे या 50 रुपये का दे, तो ये इतनी बड़ा फ़र्क पसंदीदा नहीं है। वैसे तो आदमी जिस चीज़ का मालिक है उसको इख्तियार है, वो चाहे अपना सामान कितनी ही कीमत पर बेच दे, लेकिन मार्केट की जो कीमत होती है, जो रेट मार्केट का होता है, उससे ज़्यादा ना बेचना चाहिए, ये पसंदीदा नहीं है। एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और दरख्वास्त की, अल्लाह के रसूल अशिया की कीमतें मुकर्रर फरमा दीजिए। यानी एक ताजिर रसूलुल्लाह की खिदमत में आए और आपसे कहने लगे, अल्लाह के रसूल चीज़ों की कीमत मुतय्यन फरमा दीजिए कि कौन सी चीज़ हमें कितनी कीमत में बेचनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं दुआ करूँगा। आपने कोई और जवाब नहीं दिया, आपने फरमाया मैं दुआ करूँगा। फिर एक दूसरे शख्स ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह भाव मुकर्रर फरमा दीजिए। आपने फरमाया अल्लाह ताला ही भाव घटाता और बढ़ाता है, यानी भाव मुतय्यन नहीं किए जा सकते हैं, ये मार्केट के अतबार से घटते और बढ़ते रहते हैं। आज एक चीज़ की कीमत 10 रुपये है, उसी सेम चीज़ की कीमत कल 8 भी हो सकती है, 20 रुपये भी हो सकती है। तो किसी चीज़ के भाव या किसी चीज़ की कीमत मुकर्रर की ही नहीं जा सकती है, इसलिए ये तो ताजिरों के ऊपर है। अलबत्ता इतनी तालीम उनको ज़रूर दे दी गई कि मार्केट से ज़्यादा भाव पर ना बेचा जाए और उससे बचा जाए। बाकी तो इख्तियार हैं कि अगर चाहें तो ज़्यादा बेच सकते हैं, लेकिन ये पसंदीदा नहीं है। तो कितना नफ़ा कमाएं ये बात क्लियर हो गई, ये ताजिर पर छोड़ दिया गया वो कितना कमाएगा, लेकिन मार्केट रेट से के साथ चलने में कारोबार और बिजनेस का फ़ायदा भी है और इसी तरीके पर रसूलुल्लाह की पसंद का ख्याल भी है, इसलिए इस बात का ख्याल कर लें। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ आ गई होगी। दुआओं की दरख्वास्त हैं, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।